बहुत मुश्किल होता है समुद्र से मोती चुनकर लाना, और उससे भी मुश्किल होता है उस मोती को उसकी पहचान दे एक माला में पिरोना। कुछ ऐसे ही परेशानियां मुझे भी होती हैं, जब दर्जनों कहानियों को देखने के बाद भी मुझे एक अच्छी कहानी नहीं मिलती। बट मैं अपने ऑडियंस को सिर्फ हाई क्वालिटी कंटेंट ही देता हूँ, फिर चाहे देरी क्यों ना हो जाए। बट उससे पहले आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है आप सब जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने जीवन की डोर अपने हाथ में ले संघर्ष कर रहे होंगे। बस एक चीज कहना चाहूंगा कि बस चलते जाना, रुकना मत। अगर राह में मुश्किलें हैं तो उन मुश्किलों से जल्दी निकल जाने में ही भलाई है। हार मान उन मुश्किलों में अपना घर बसाना सिर्फ एक मूर्खता होगी। और रही बात इस कहानी की, तो ये जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपको उतना ही ज्यादा मजा आएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक नरेशन के साथ, जिसमें एक लेडी अपनी कहानी नरेट कर रही होती है कि वो कैसे वहां से भागी, कितने कदम चलने पर कौन सा मोड़ आया, कितने कदम चलने पर सीढ़ियां आई। और सीन जब उसी की तरफ शिफ्ट होती है तो हम खून से सनी एक लड़की को भागते हुए देखते हैं। उसका हाथ रस्सी से बंधा होता है और उसका सर प्लास्टिक से, और उसके पूरे शरीर में काटने के निशान भी होते हैं, जो कि भागते हुए आई होती है एक पहाड़ के ऊपर बसे गाँव से। कुछ ही देर में वहां पर उसे एक पेट्रोलिंग करता हुआ ऑफिसर देख लेता है और अपने ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर उन्हें वहां पर बुला भी लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है कुछ दिन आगे, जहां पर सीआईडी और पुलिस ऑफिसर जाते हैं एक पर्सन को अरेस्ट करने। दरअसल इस पर्सन पर आरोप होता है कि उसी ने उस लेडी को किडनैप किया था, और साथ ही इसके घर के आसपास 5 कंकाल भी मिलते हैं, जो कि ये बात साबित करते हैं कि इसी ने उन्हें वहां पर दफनाया होगा। तो वहीं ये पर्सन कह रहा होता है कि वो निर्दोष है, उसे सिर्फ फंसाया जा रहा है, उसने किसी को नहीं मारा। साथ ही उसने अपनी बेटी को पकड़ भी रखा होता है ताकि पुलिस उसे शूट न कर दे। बट जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, एक ऑफिसर उससे उसकी बेटी को छीन लेता है, और बाकी सारे ऑफिसर्स उस पर धड़ाधड़ गोलियां बरसा देते हैं, और इसके साथ ही बूचर केस हो जाता है खत्म। एटलीस्ट पुलिस को तो ऐसा ही लगता है कि उस पर्सन के मरने के साथ बूचर केस यहीं पर खत्म हो गया। और यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 4 साल आगे, जहाँ पर अंधेरी गली में एक पर्सन किसी को बंदी बनाए खड़ा होता है, जैसे कि वो किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। और जैसे ही उस जगह से 2 पुलिस ऑफिसर गुजरते हैं, तो वो उन दोनों पर फायर करता है, जिनमें से एक के सीधा गले में गोली लगती है। तो वहीं दूसरा ऑफिसर हेल्प के लिए बेस में रिपोर्ट करता है और उस पर्सन को मारने की कोशिश करता है जिसने उन दोनों पर फायर किया था, पर उसकी जगह गोली लगती है उस पर्सन पर जिसको उसने बंदी बनाया था, और उसी का फायदा उठाकर वो उन दोनों को मार डालता है। साथ ही जिस गन का वो यूज करता है उन ऑफिसर्स को मारने के लिए, सेम वही गन वो थमा देता है उस पर्सन के हाथ में जिसको उसने बंदी बनाया था। साथ ही वो उसे किसी के जूते भी पहनाता है। इन सिंपल फेक सबूत क्रिएट करता है ताकि सबको लगे कि पुलिस पर हमला उसी ने किया था, और इस बीच वो खुद भी मारा गया। और पुलिस जब यहाँ पर आती है तो उन्हें एग्जैक्ट ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो पर्सन मरा होता है उसका नाम होता है चॉय, जो कि क्राइम स्क्वाड का एक एक्स मेंबर होता है, जिसके नाम पर एक अरेस्ट वारंट भी जारी होता है एक पर्सन को मारने के इल्जाम में। साथ ही जो गन उसके पास से मिलती है वो भी एक रॉबरी वाले केस से रिलेटेड होती है, और जो जूते उसने पहने होते हैं वो भी सेम वैसे ही होते हैं जो कि उस चोर ने पहने थे चोरी करते वक्त। इन सिंपल पुलिस इसे वही क्रिमिनल मानती है जो कि चोरी कर वहां से भागा था, और इस केस का नाम पड़ता है द डेविल कॉप केस। बट व्हाट इफ इस केस की तरह भी वो बूचर वाला केस भी हो, उसमें भी जानबूझकर झूठे सबूत क्रिएट किए गए हों ताकि असली क्रिमिनल कभी पकड़ा ही ना जाए। अभी के लिए तो पुलिस इस केस को मीडिया के सामने रखकर क्लोज कर देती है, और सारी बातें जब मीडिया में रखी जा रही होती है तो ठीक यहीं पर आता है ली चुन नाम का एक ऑफिसर। ये कभी सीआईडी का एक हिस्सा हुआ करता था, पर अब इसे निकाल दिया गया होता है उसके मेंटल इलनेस की वजह से। बट ये यहाँ पर कहता है कि चॉय को सिर्फ फंसाया जा रहा है, वो असली क्रिमिनल नहीं, वहाँ पर कोई और भी था, एक चौथा आदमी जिसने उन दोनों को मारा और साथ ही चॉय को भी, और उसके बाद उसने चॉय के हाथ में वो गन थमा दी। साथ ही इसके पास हर एक चीज की डिटेल भी होती है, जैसे कि वो गन, वो जूते, जूतों पर लगे शू लेसेस को बांधने का तरीका जो कि चॉय नहीं करता था। साथ ही ये एक आरोप भी लगाता है आयुंग नाम के ऑफिसर पर कि उसकी कार्यवाही करने का तरीका ठीक नहीं, और इस केस में भी वुचर वाले केस की तरह एविडेंसेस को प्लांट किए गए। और रही बात इस आयुंग नाम के
पर्सन के, तो ये सीआईडी का एक मेंबर होता है जो कि बुजर वाले केस से भी जुड़ा था और इस केस से भी एज अ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर। और ली के हाथ में गन देख वो इसे भी शूट कर देता है, बट सिर्फ सेफ जगहों पर। और इस शूटिंग की आवाज को सुनती है ली की डॉटर, जिसे शायद एहसास हो जाता है कि अंदर क्या हुआ होगा और इसलिए वो वहां से निकल जाती है इससे पहले कि कोई उसे भी पकड़ ले। तो वहीं उसका डैड बस चिल्लाता रहता है कि वो कोई पागल नहीं है बल्कि द चूजन सल्यूट है, जिसका मतलब हमें आगे जानने को मिलेगा कहानी के आगे बढ़ने पर। अभी के लिए इतना जान लो कि सल्यूट का मतलब होता है क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने वाला, जैसे कि एक डिटेक्टिव। बट सिंस कि ये खुद को द चूजन सल्यूट कहता है तो यहाँ पर मतलब कुछ और भी हो सकता है। और यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है 17 साल आगे, जहाँ पर कुछ लोग, इनफैक्ट की एक पूरी गैंग, 3 लोगों को जिंदा ही जला देती है। साथ ही उस गैंग के मेंबर फ्लोर पर कुछ लिखते भी हैं और जो पर्सन उन्हें जलाता है वो ये कहता है कि उसने बदला ले लिया। और इसके बाद वो सब के सब वहां से चले जाते हैं। और अगली सुबह पुलिस ठीक वहीं पर जाती है, जिनमें से एक ऑफिसर का नाम होता है चैन ये। दरअसल ये वही लेडी होती है जिसे मूवी के स्टार्ट में हमने जख्मी हालत में देखा था, और इसने सिर्फ उसी ऑफिसर से शादी कर ली होती है जिसने उसे बचाया था। और 20 साल के इस टाइम पीरियड में अब वो एक ऑफिसर भी होती है, और सिम इसी से हमें पता चलता है कि 20 साल पहले ठीक इसी जगह पर सिम ऐसा है एक केस हुआ था। जो पर्सन मरा था वो एक बिजनेसमैन था और उसे मारने का इल्जाम उनके भाइयों पर लगा था कि जमीन जायदाद के लालच में उन्होंने उसे जलाकर मार डाला। बट सिंस के पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं होते उनके अगेंस्ट, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। साथ ही उस बिजनेसमैन का एक बेटा भी था और इसके हिसाब से उसी ने इन्हें मारा होगा अपने डैड का बदला लेने के लिए। साथ ही इस जगह पर बहुत कुछ लिखा भी होता है ग्राउंड में, सारी लिखावट अलग अलग होती है, इसलिए पुलिस पूरे एक गैंग की बात कहती है कि वो कम से कम 8 से 10 लोग होंगे। और ऊंची जगह पर चढ़कर जब एक ऑफिसर सेम उन्हीं नंबर्स को देखता है तो वो नंबर्स होते हैं 21 केस फाइल्स, जिनमें से 19 केसेस मिसिंग वुमेन्स की होती है जिनकी लाश अभी तक पुलिस को नहीं मिली होती। तो वही बाकी के 2 केसेस में पुलिस को 2 वुमेन की लाश मिलती है। इन टोटल सारे केसेस लिंक करते हैं किडनैपिंग से, जिनमें स्पेशली वुमेन गायब होती है, मे बी उसमें किसी सीरियल किलर का हाथ हो। और यहाँ से सीन शिफ्ट होती है ली चुन की तरफ। इन 20 सालों में इसके साथ बहुत कुछ हुआ होता है, लाइक जेल जाने से लेकर मेंटल हॉस्पिटल जाने तक, क्योंकि सभी लोग इन्हें पागल समझते हैं बट ये खुद को पागल नहीं मानते। और जितनी भी कलाकारी इन्होंने कार्डबोर्ड और पिलर पर कर रखी होती है वो सारे अलग अलग केसेस के थीसिस होते हैं कि इनके हिसाब से असली क्रिमिनल कौन है। और सेम इसी के पास एक अजीब सा पर्सन भी आता है हेल्प मांगने, और ये उसे बताता है कि उन 21 सीरियल किलिंग्स को अंजाम देने वाला वही है, उसी ने सबको एक एक करके मारा। और सबकी लाशों के बारे में ही बताता है कि उसने उन सभी लड़कियों को मारकर उनकी लाश को काटकर सीवर में फेंक दिया। और यहाँ पर वो इससे मिलने के लिए इसलिए आता है क्योंकि जो लोग अब मर्डर कर रहे होते हैं वो इस ली चुन की तरह खुद को सल्यूट कहते हैं, मतलब कि वो इसका नाम यूज कर रहे हैं मर्डर करने के लिए, जिन्हें इसे रोकना होगा। तो वही क्राइम ब्रांच के अंदर भी सेम इसी के बारे में बात चलती है कि 20 साल के टाइम पीरियड में 21 वुमेन गायब हुई थी, और वो भी शहर के अलग अलग जगहों से और अलग अलग टाइम पीरियड पर, जिनमें से 19 अभी भी मिसिंग होती है और 2 की लाश समुद्र तट के पास से मिली थी। एक सीरियल किलिंग केस को फाइल करने के लिए मिनिमम 3 डेड बॉडीज चाहिए होती है जिन्हें सेम ही तरह से मारा गया हो, इसलिए उन दोनों मौतों को सीरियल किलिंग मानकर इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। बट अब ये ऐसा करते हैं और इन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है लॉक वॉक वन नाम के एक पर्सन के बारे में, जो कि 3 दिन पहले हॉस्पिटल से गायब हो गया था। और सिम उसी पर्सन की तरफ जब कहानी फिर से शिफ्ट होती है तो डिटेक्टिव ली उसे कहता है कि सल्यूट ने तुम्हें मारकर उसी रिवर में फेंक दिया होगा जिसमें तुम उन लड़कियों को मारकर फेंका करते थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ली उन लोगों को देख सकता है जो कि है ही नहीं, मैं इन्हें स्पिरिट्स कहता, बट ली उन लोगों को भी देख लेता है जो कि मरने वाले होते हैं। मींस कि वो सारे लोग पूरी तरह से स्पिरिट्स तो नहीं, मे बी अगर हम इसे इंस्टिंक्ट कहें तो ज्यादा सही रहेगा। और अपने आप को मेंटली ठीक साबित करने के लिए ये ठीक उसी समुद्र की तरफ जाता है जहाँ पर सीवर का पानी निकलता है, और समुद्र में कूद कर वो एक लाश को बाहर निकालता है, बट वो सिर्फ लॉक वॉक नाम के पर्सन का सिर्फ धड़ होता है, मतलब कि उसके शरीर का नीचे का हिस्सा अभी भी उस सीवर में कहीं पर होगा। और सेम उसे ही निकालने के लिए वो ठीक उसी जगह की तरफ निकल जाता है जहाँ पर लॉक वॉक को मारा गया था, एंड ऑफ कोर्स उसे ये बात खुद लॉक वॉक बताता है। तो वहीं इस बीच क्राइम यूनिट के ऑफिसर्स को भी उस लाश की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि वहां पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर मौजूद
मौजूद लोगों के द्वारा बनाए गए वीडियो को देख ये भी निकल जाते हैं ली चुन को पकड़ने। और इन सब में टाइम हो जाता है रात का और बारिश भी शुरू हो जाती है और ली को हम खड़ा हुआ देख पाते हैं एक सीवर के पास जो कि काफी उफान में होती है सेम उस बारिश की वजह से। नाव नदी और सीवर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, नदी का निर्माण नेचर करती है तो वही सीवर मैन मेड क्रिएशन है जो कि इंसान शहर से पानी को निकालने के लिए बनाता है और इसी को इंडिया में नाला भी कहते हैं। अब यहाँ पर सीवर में कूदने का मतलब होता है मौत, क्योंकि पानी का उफान इतना ज्यादा होता है कि ली उसमें ज्यादा देर तक तैर नहीं पाएगा और ली ये बात बहुत ही अच्छे से जानता भी होता है बट एक पर्सनैलिटी उसे ऐसा करने के लिए फोर्स करती है ताकि वो खुद को सही साबित कर सके कि वो कोई पागल नहीं। और इतने टाइम में क्राइम यूनिट के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उसे उतरने के लिए कहते हैं। इससे पहले ही ये उनका नाम और आईडी नंबर पढ़ के बता देता है कि वो सब कौन है, साथ ही इस केस के बारे में भी इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि यहीं पर वो सीरियल किलर उन सभी लड़कियों को मारकर फेंका करता था और उन सभी लड़कियों की मौत का बदला लेने के लिए सिल्यूथ गैंग के लोगों ने भी ऐसा ही किया उस किलर के साथ और उसे भी मारकर फेंक दिया यहाँ से। और पिछली रात की बारिश की वजह से उसका आधा शरीर बहकर समुद्र में चला गया और बाकी का हिस्सा भी उन्हें इसी सीवर में मिलेगा। पर जब वो देखता है कि वो लोग उसकी बात ना सुनकर उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो वो खुद कूद जाता है उस सीवर में ताकि वो अपनी बात साबित कर सके और पानी का बहाव उसे खींचते हुए बहुत दूर तक ले जाता है और सिर्फ उसी को बचाने के लिए ये भी निकल जाते हैं गाड़ी में। और इस बीच ली के बारे में ऑफिसर चैन को सब कुछ बता दिया जाता है A to Z। और एक जगह पर ली जाकर फंसता है एक जाल में और सिर्फ उसी जाल में फंसी होती है उस सीरियल किलर की आधी बॉडी जिसे खींचते हुए वो बाहर निकालता है और सबके सामने ले जाता है रोड पर। साथ ही ये यहाँ पर टेम्पल स्ट्रीट जगह के बारे में ही बताता है कि टाइगर फैमिली के 3 लोगों ने वहाँ पर एक फैमिली को मारकर फेंक दिया था और अब सिल्यूथ गैंग के लोग उन्हीं का बदला लेने के लिए उन तीनों को मारने जा रहे हैं उस टेम्पल स्ट्रीट जगह पर। अब इसे पागल समझना बेवकूफी होगी क्योंकि इसने जस्ट अभी एक लाश को बाहर निकाला होता है सीवर में से जिसके बारे में किसी को ही पता नहीं था, इसलिए ऑफिसर चैन उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है बट ली किसी और को अंदर बैठने नहीं देता कि वो कार फुल है जबकि वो खाली होती है। दरअसल इसे ही सिर्फ वो तीनों लोग दिखाई देते हैं जो कि मरने वाले होते हैं और इसके हिसाब से वो सब पिछली सीट पर बैठे होते हैं और वो लोग जो बातें बताते हैं सिम यही बात ये इस ऑफिसर चैन को ही बता देता है कि उन तीनों ने उस फैमिली को नहीं मारा था बल्कि उनके आदमियों ने उन्हें मारा था एक्सेट्रा। और सीन जब उसी जगह की तरफ शिफ्ट होती है तो सच में सिल्यूथ गैंग के लोग इन तीनों को मार रहे होते हैं और इन्हें सिम वही लोग मार रहे होते हैं जिनकी फैमिली को इन्होंने मारा था बट इन्हें यहाँ पर कोई इन्फॉर्म कर देता है कि पुलिस यहाँ पर आने वाली है और इसलिए ये जल्दबाजी में उन्हें मारने के लिए छत से फेंक देते हैं और वो तीनों के तीनों गिरते हैं पुलिस की गाड़ियों पर। मींस कि ली भी यहाँ पर एकदम सही था रिगार्डिंग कि वो तीनों लोग बनने वाले हैं। और सेम उन लोगों को पकड़ने के लिए वो उन सभी ऑफिसर्स को ऑर्डर्स भी देता है जिससे हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एक अच्छी खासी फाइट सीन जो कि सच में बहुत लंबी चलती है क्योंकि उनके पास भी गन्स होते हैं पुलिस से लड़ने के लिए। और एक वक्त तो ऐसा आता है कि ली मरते मरते बचता है, इनफैक्ट कि वो तो मर ही जाता बट वो लड़की इसे शूट नहीं करती और ना ही अपने गैंग के किसी मेंबर को उसे शूट करने देती है। बट इस पुलिस की मुठभेड़ में 6 लोग मारे जरूर जाते हैं उसकी गैंग से और पुलिस काफी दूर तक उनका पीछा भी करती है जिनमें कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं। इवन कि पुलिस ली को भी पकड़ती है बट ऑफिसर चैन के कहने पर उसे छोड़ देती है। तो वहीं जो बचकर भागते हैं उनमें से ये लड़की अपने आदमियों पर भड़कती है ली पर गोली चलाने के लिए जिसका रीजन ये बताती है कि ली द चूजन वन है, मतलब कि वो एक तरह से इनका बॉस है जो कि न्याय के लिए लड़ता है या फिर ये लोग उसे अपना बॉस मानते हैं क्योंकि ये उसी की तरह इंसाफ के लिए लड़ रहे होते हैं। और सीन जब यहाँ से ली की तरफ शिफ्ट होती है तो उनसे अब हेल्प मांगने के लिए आते हैं 2 लोग और ये लोग जुड़े होते हैं द ह्यूमन सूप केस से जिसमें इन्होंने किसी को मारकर उसके शरीर का सूप बना दिया था और सिल्यूथ गैंग के लोग अब ठीक इन्हीं के पीछे पड़े होते हैं इन्हें मारने। और ये सिर्फ एक विजन होती है जो कि सिर्फ ली को आती है जिसका यूज कर वो चाहे तो उन्हें बचा सकता है, एटलीस्ट वो लोग तो ऐसा ही कहते हैं कि वो उन्हें बचा ले और खुद की लोकेशन के बारे में ही बताते हैं कि वो दोनों कहाँ पर हैं। तो वहीं ऑफिसर चैन घायल होती है और साथ ही वो प्रेग्नेंट भी होती है इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और बाकी सारे ऑफिसर्स इन सारे इंसिडेंट से समझ जाते हैं कि सभी विक्टिम्स की फैमिली एक टीम की तरह किलर से बदला ले रही है
और इन्हें भी सेम उस ह्यूमन केस के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि हर बार वो लोग अपने नेक्स्ट विक्टिम की केस फाइल छोड़ देते हैं कि अब वो किसे मारेंगे। और यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है सुबह, जहाँ पर उस केस का मेन सस्पेक्ट कॉल करता है अपनी पार्टनर को, और जैसे ही वो फोन काटती है तो सल्यूत गैंग के लोग उसे मार डालते हैं, जिससे बच जाता है सिर्फ ये पर्सन। और सेम इसे भी मारने के लिए इसके पीछे पड़ी होती है सल्यूत गैंग, और सेम उसे ही बचाने के लिए ली जाता है उस जगह पर, और साथ ही वो इन्फॉर्म कर देता है ऑफिसर चैन को, और फिर वो इन्फॉर्म कर देती है अपने हस्बैंड को, और वो सबको बता देता है इस बारे में। और सिम यहीं पर एक खबर भी होती है उस सल्यूत गैंग की, जो कि अपनी गैंग को बचाने के लिए ठीक पुलिस के साथ निकल जाती है। और पुलिस यहाँ पर दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है, जिनमें से एक टीम जाती है उस बाल्टी को पकड़ने, तो वहीं दूसरी टीम जाती है उस जगह पर जहाँ पर वो ह्यूमन सूप केस हुआ था। और दोनों ही तरफ से हमें काफी अच्छी फाइट सीन देखने को मिलती है। एक तरफ जहाँ पर ये लोग उस बाल्टी को मारने के लिए चाकू और तलवार का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस बंदूक का, और उनसे लड़ने के लिए वो लोग बॉम्ब का। और उनके साथ तो पुलिस भी होती है, जो कि सेम विक्टिम की फैमिली का हिस्सा होते हैं, और सारे केसेस के बारे में यही उन्हें इन्फॉर्म किया करते थे। बट उन्हें पुलिस वालों को मारता हुआ कुछ ऑफिसर्स देख लेते हैं, जो कि हेडक्वार्टर में जाकर इन्फॉर्म कर देते हैं अपने सीनियर को इस बारे में। और कहानी एक सर्कल की तरह घूमकर आती है बूचर केस पर, क्योंकि सल्यूत गैंग अब बूचर केस के रियल किलर को मारने के लिए जा रही होती है, और इसलिए सबसे पहले शक पुलिस ली पर करती है कि कहीं वो तो उन सभी लोगों को नहीं मरवा रहा, क्योंकि वो लोग खुद को सल्यूत कहते हैं और ली खुद को द चूजन सल्यूत। और जितने भी लोगों को वो गैंग मार रही होती है उन केसेस में इसी ने कहा था कि असली किलर कोई और है। एनवायरमेंट यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि इस बूचर केस की सिर्फ एक विक्टिम होती है, और वो होती है खुद ऑफिसर चैन। और इसे समझ में नहीं आता कि जो चीजें उसने अपनी आंखों से देखी थी वो सच थी, या फिर जिस ऑफिसर पर अब आरोप लग रहे हैं वो असली बूचर है। और कुछ देर बाद सल्यूत गैंग के लोग हेडक्वार्टर के मॉनिटर्स को हैक कर एक ऑफिसर की वीडियो प्ले करते हैं, जिसमें वो ऑफिसर न सिर्फ खुद को द बूचर केस का क्रिमिनल बताता है, बल्कि खुद को द डेविल कॉप केस का भी क्रिमिनल बताता है। और इस ऑफिसर का नाम होता है आयोंग, जिसके बारे में ली ने कहा था कि उसके इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका अजीब है, पर उसने ये बात कहीं पर भी नहीं कही थी कि वो असली किलर है, मतलब कि सल्यूत गैंग को कोई गलत फहमी हुई है रिगार्डिंग इस केस को लेकर। और सेम ही बातें जब ऑफिसर चैन कहती है कि आयोंग बूचर नहीं है, तो उसका हस्बैंड उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे घर जाने के लिए कहता है, और साथ ही उसके शू लेसेस को भी बांधता है, जो कि इस पूरे केस को समझने में हेल्प करती है आगे चलकर। अभी के लिए तो ली को पुलिस जेल लेकर जा रही होती है, और खुद के साथ ऑफिसर आयोंग को बचाने के लिए इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है भागने का, और उन्हें मार पीट वो भागता है सीधा एग्जिट की तरफ, जहाँ पर ऑफिसर चैन घर के लिए निकल रही होती है एक कार में। और ठीक उसी के सामने जाकर ली आयोंग को निर्दोष बताता है और उसकी हेल्प मांगता है ताकि वो उसे बचा सके, और इसे भी एग्जैक्टली ऐसा ही लगता है, इसलिए ये उसकी हेल्प करती है। और इन दोनों को एक साथ देख ये अनुमान लगाया जाता है कि ऑफिसर चैन भी सल्यूत गैंग का एक हिस्सा होगी, और वो उसकी कार की जीपीएस को ट्रैक करने लगते हैं। तो वहीं ली इस बूचर केस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर चैन को देता है कि इस केस में पुलिस को सिर्फ 5 डेड बॉडीज मिली थी, जबकि उस वक्त 30 लड़कियां मिसिंग हुई थी। कांग नाम के पर्सन को फंसाया गया उन डेड बॉडीज के जरिए। अगर वो असली किलर होता तो उसके घर के आसपास सारी डेड बॉडीज मिलती, ना कि सिर्फ 5। और साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर उसे वो लड़की मिल जाए जो कि उस किलर से बचकर भागी थी, तो शायद वो उन डेड बॉडीज का भी पता लगा ले। मतलब कि ली को अभी तक नहीं पता कि ऑफिसर चैन ही वो एकमात्र गवाह है जो कि जिंदा है। साथ ही वो जिस तरह से द डेविल कॉफ केस की इन्फॉर्मेशन देता है कि उसने भी नकली सबूत जुटाए गए थे, स्पेशली उसके एक जूते के शूलेसेस डिफरेंट होते हैं दूसरे जूते से, तो इसे भी उसकी बातें माननी पड़ती हैं, क्योंकि ये सारी बातें कहीं ना कहीं इसके मन में भी क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है। और ये खुद अपनी कार की जीपीएस ऑफ कर देती है ताकि उसके हेडक्वार्टर के लोग उसकी कार की लोकेशन ट्रैक न कर सके। और ये ली को लेकर जाती है उस जगह पर जहाँ पर पुलिस ने उसे देखा था, और कहती है कि वो ईस्ट की तरफ से भागते हुए आई थी, उसे उस दिन की सारी बातें याद हैं, क्योंकि बूचर ने उसे 3 दिनों तक टॉर्चर किया था। और इसकी सारी बातें सुन ली उसे उसके घावों के निशान दिखाने के लिए कहता है। ये पार्ट थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि एक वुमन ऑन द स्पॉट एक मैन के सामने ऑलमोस्ट नेकेड खड़ी होती है, लेकिन दोनों का इंटेंशन यहाँ पर कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और उसके निशानों को देख जब ली उसे हाथ लगाता है तो उसे एक विजन दिखाई देता है, और सेम उसी विजन के बेस पर ली उस बूचर को डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मरीज बताता है, जिनमें से एक पर्सनैलिटी मेल की होती है और दूसरी पर्सनैलिटी फीमेल की। जैसे कि एक पर्सनैलिटी को उसके शरीर में कट्स लगाने में मजा आ रहा हो और दूसरे पर्सनैलिटी को उसे तड़पता हुआ देखने में। साथ ही कुछ और बातें ऑफिसर चैन बताती है कि जिस ऑफिसर ने उसे बचाया था
वो उसकी बहुत देखभाल करता था, वो उसे हर दिन मिलने आता था और फिर बाद में उसी से उसने शादी कर ली। बट यहाँ पर एक बात अजीब होती है जो कि इसके बयान से मैच नहीं खाती, और वो बात होती है कि ये कहती है कि वो वेस्ट की तरफ से भागते हुए आई थी। तो वही पुलिस रिपोर्ट में बात होती है ईस्ट डायरेक्शन की, क्या जिस पर्सन ने उसे बचाया उसने पुलिस को झूठ बोला था? अगर हाँ तो आखिर क्यों? और ऑफिसर चैन के बयान के बेस पर जब फिर से इस केस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो वेस्ट की तरफ भी सेम वैसी ही गली, सेम वैसे ही छोटे छोटे पत्थर, 38 कदम की सीढ़ियाँ, सीढ़ियों के साइड में पंखे वाले खिलौनों से आने वाली आवाज और सीढ़ियों के खत्म होने पर एक छोटा सा पुल जिसमें से पानी बहने की आवाज आती है, और सेम उसके सामने के घर से ऑफिसर चैन भागे थे अपनी जान बचाकर। और ठीक उसी घर के अंदर जब जाया जाता है तो उन्हें वहाँ पर 25 लोगों की कंकाल मिलती है, मतलब कि यही बूचर का असली हाइड आउट है। और सेम यही पर चैन को लाकर टॉर्चर किया गया था, और वो बूचर कोई और नहीं बल्कि खुद उसका हस्बैंड फैंग है, जिसने ली को फंसाने के लिए उसके द्वारा पिए गए सिगार के पीसेस को वहाँ पर प्लांट किए होते हैं एज अ सबूत। साथ ही यहाँ पर आने की वजह से तो इनके फुटप्रिंट भी छप जाते हैं, जो कि और भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्रिएट करती है ली के अगेंस्ट। और अगर इस बीच ऑफिसर चैन को कुछ हो गया तो ली पर सारे इल्जाम लगाकर उसे शूट कर दिया जाएगा, जैसे कि झूठे आरोप में फंसाकर फैंग को मारा गया था। साथ ही चैन के शूलेसेस को बांधने का तरीका भी सेम वैसा ही होता है जैसे कि द डेविल कॉफ केस में था, जो कि इस बात को और भी यकीन में कन्वर्ट करती है कि उसका हस्बैंड ही द डेविल कॉफ केस का असली क्रिमिनल भी है, क्योंकि उसके शूलेसेस को उसके हस्बैंड फैंग नहीं बांधा था। और ली यहाँ पर एक अनुमान लगाता है कि उसने तुम्हें इसलिए छोड़ा होगा क्योंकि उसे उसके डिपार्टमेंट से एक कॉल आई थी कि उन्हें एक टिप मिली है कि कॉलेज स्टूडेंट चैन को इसी एरिया में लाया गया है, उसने तुम्हें इसलिए छोड़ा ताकि वो तुम्हें एज अ पुलिस ऑफिसर बचाकर अपने सीनियर के सामने ले जा सके, और तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हारे शरीर पर बने घाव उसके द्वारा बनाए गए पेंटिंग की जैसी है जिन्हें वो हर दिन देखना चाहता है। और उससे एक चीज पूछता है कि क्या फैंग के शरीर पर भी ऐसे ही घाव के निशान हैं, जिसका आंसर होता है हाँ, और वो निशान उसे दिए होते हैं उसकी माँ और उसकी माँ के भाई ने, जो कि अब जिंदा नहीं होते। उसकी माँ की मौत एक चोरी में हो गई थी और उसकी मामा की मौत हिट एंड रन केस में, जो कि हो सकता है कि फैंग नहीं मारा हो, क्योंकि सीरियल किलर की कुछ ऐसी ही बैकग्राउंड स्टोरी होती है, फिजिकल या वर्बल अब्यूज, और वो भी घर के किसी पर्सन के द्वारा। और अब इनके पास यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, ये सब कुछ जाकर पुलिस को बता देना या फिर आयांग नाम के उस ऑफिसर को बचाना जिसे सल्यूत गैंग मारने वाली होती है। साथ ही जिस गाड़ी में ये होते हैं वो होती है फैंग की, और इसमें बहुत सारे लोकेशन को सेव करके रखा होता है, और ये सारी लोकेशन होती है अलग अलग क्राइम साइट्स की जो कि उसने की थी। और जैसे ही ये लोग आयांग तक पहुंचने के लिए कार के जीपीएस को ऑन करते हैं तो फैंग को पता चल जाता है कि वो लोग सीधा उसके हाइड आउट की तरफ जा रहे हैं, और इसलिए वो अपने सीनियर की कान भरना चालू कर देता है कि उसके हिसाब से ली ही बूचर है, साथ ही वही डेविल कॉप भी है, और इसलिए उसे इन सब के बारे में इतनी डिटेल में पता है। साथ ही वो उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मरीज भी बताता है, जो कि खुद को बूचर भी मानता है, द डेविल कॉप भी, और एक सच्चा पुलिस ऑफिसर भी, जिसे वो द चूजन सल्यूट कहता है। और उसे पकड़ने के लिए वो सारी फोर्स लेकर वहाँ पर जाने की बात करता है ताकि वो उसके पूरे गैंग का सफाया कर सके। तो वही सल्यूत गैंग में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है, जिनमें से ये लड़की आयोंग को न मारने की बात करती है क्योंकि ली ने कभी भी आयोंग को किलर नहीं कहा था, और ये सबको उसकी बात मानने के लिए भी कहती है क्योंकि वो खुद ली की बेटी होती है। तो वही ये दोनों होते हैं पुलिस ऑफिसर्स, जिनमें से ये लड़का होता है बूचर केस में मरने वाले पर्सन का बेटा, तो वही ये लड़की होती है द डेविल कॉप केस में मरने वाले पर्सन की बेटी, और इनके बॉस का नाम होता है फैंग, और फैंग ने ही इनके कान भरे होते हैं ली और उसकी बेटी के अगेंस्ट, जिसकी वजह से वो उसकी एक भी नहीं मानते और उल्टा उसी पर ही गन तान देते हैं। और उनके तेवर देखकर इसे भी एहसास हो जाता है कि वो लोग अब उसकी एक भी बात नहीं मानेंगे, इसलिए पूरी गैंग दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है, जो इसे फॉलो करते हैं वो इसके साथ आ जाते हैं, तो वहीं जो उनकी बात मानते हैं वो उन्हें फॉलो करते हैं। और इस बीच तक फैंग लाए अपने सीनियर को असली बूचर के हाइड आउट के बारे में बता देता है, और वहां से मिले सिगार और जूतों के निशान के बारे में भी, ताकि वो ली को असली क्रिमिनल मानने के लिए मजबूर हो जाए। तो वहीं ली ठीक उसी जगह पर जाता है जहाँ पर सल्यूत गैंग के लोग छुपे होते हैं, और यहाँ पर वो सीधा छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है आयोंग को, जिसे वो लोग ऐसा करते हुए देख लेते हैं और इन पर फायर करते हैं, जिसे अपने डैड को बचाने के लिए
मिस वॉन्ग भी उन पर फायर करती है और कवर फायर करने के लिए ऑफिसर चैन भी उन सबको शूट करती है। और सारे सिचाई अपने सीनियर को बताने के लिए आयोंग को जब वहाँ से बोट में भेजा जाता है तो उस बोट को ही ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे इनकी एक तरह से सारी उम्मीद बेकार चली जाती है। बट ये खुद को बचाने के लिए एक रूम में जरूर छुप जाते हैं और इस बीच उस पूरे हार्बर को स्वाट टीम आकर घेर लेती है, जिनमें से उनका मेन एम होता है आयोंग को रेस्क्यू करना और ली और उसके सारे साथियों को खत्म कर देना या फिर अरेस्ट करना अगर पॉसिबल हो। ये मिशन एक तरह से सक्सेसफुल भी होता बट फैंग ऐसा होने नहीं देता और खुद स्वाट टीम पर हमला करता है और उसके ऐसा करते ही उसकी पूरी गैंग भी ऐसा ही करती है। मींस कि सल्यूट गैंग का असली लीडर वो खुद है, जो कि खुद के द्वारा छोड़े गए सबूतों को मिटाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर उसने बॉम्ब भी प्लान किए होते हैं ताकि वो स्वाट टीम को मारकर उन्हें और भी उकसा सके सल्यूट गैंग को खत्म करने के लिए, और फिर खुद एक एक कर सल्यूट गैंग के मेंबर्स को मारता जाता है ताकि कोई भी उनसे कुछ भी ना उगलवा सके। इनफैक्ट ये सब कुछ ली के कपड़े पहनकर करता है ताकि अगर कोई उसे देखे तो उसका शक सीधा ली पर जाए, ना कि उस पर। और यहाँ पर हमें कुछ और बातें पता चलती हैं कि उसने ली की डॉटर को इस गैंग का हिस्सा इसलिए बनाया ताकि उसके गैंग में यूनिटी बनी रहे, कि वो लोग जो भी कर रहे हैं वो सब जस्टिस है ना कि गलत। और सबको मारने के बाद ये फाइनली मारने के लिए जाता है ली और अपनी वाइफ को। इसे तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वो ग्रेनेड का पूरा बैग फेंक देता है उस रूम के अंदर, बट वो लोग उसके फटने से पहले ही वहाँ से निकल जाते हैं, जिससे हमें एक आखिरी फाइट सीन देखने को मिलती है जिसके एंड में कहानी कुछ ऐसी होती है कि ली के पास होता है फैंग का बच्चा और ली की बेटी के सर पर गन तान रखा होता है फैंग ने, और यहाँ पर वो उसे ये कहता है कि मैं तुम्हारे बेटी को मार देता हूँ और तुम मेरे बच्चे को मार देना और हमारा हिसाब बराबर। यहाँ पर ये ऐसा इसलिए कहता है ताकि वो अपने सीनियर के सामने ये बात रख सके कि ली ने उसकी वाइफ और उसके बच्चे को मार दिया और वही असली बुचर और असली द डेविल कॉप था। इवन कि उसे फोर्स करने के लिए वो उसकी बेटी को शूट तक कर देता है, बट ली उस बच्चे को नहीं मारता। ये उसके जैसा राक्षस नहीं होता जो कि ऐसा कुछ करे, लेकिन ये राक्षस जरूर होता है जो कि उस बच्चे को छीन उस बच्चे को मरता हुआ देखने के लिए कहता है। बट इससे पहले वो उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाता, ऑफिसर चैन उसे मार डालती है और उसके बच्चे को बचा लेता है ली। और सीन जब स्वाट टीम की तरफ शिफ्ट होती है तो उन्हें कैमरा में आयोंग दिखता है समुद्र में, जो कि तैरता हुआ किनारे तक आता है और अपने हेड को सच्चाई बताता है कि फैंग असली बूचर है और साथ ही वही द डेविल कॉप भी है और उसी ने उसे फोर्स किया था वीडियो में वो सब कुछ कहने के लिए, क्योंकि इसे उसकी असली सच्चाई पता चल जाती है जब वो उसकी माँ और मामा के केस को फिर से री इन्वेस्टिगेट करता है। और यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है कुछ हफ्ते आगे, जहाँ पर ऑफिसर चैन पूरी तरह से ठीक होकर फिर से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करती है। साथ ही ऑफिसर ली को भी पूरे सम्मान के साथ उनके पद को वापस लौटाया जाता है, जो कि यहाँ पर सभी ऑफिसर्स को अपनी लाइफ में सिर्फ एक बात याद रखने के लिए कहते हैं कि उनका सामना बहुत सारे मॉन्स्टर से होगा, बस उनसे लड़ते वक्त वो ये बात याद रखें कि वो खुद एक मॉन्स्टर न बन जाए। क्रिमिनल चाहे जैसा भी हो, उसे पकड़ने के लिए खुद एक क्रिमिनल मत बनना। और ये स्टोरी हो जाती है खत्म। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।